आप लोगों की पूरी तैयारी समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र पर केंद्रित रहती है। प्रथम प्रश्न पत्र और होनी भी चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको अंत तक ले जाएगा। ये जीएस वन जो आपका पहला पेपर है, ये पीटी को देख ले या मेंस को लेकर के यही है, प्रीलिम्स में भी यही है, प्री प्लस मेंस यही है। तो अल्टोमेट आपकी जो नैया पार कराना है इसी को कराना है, लेकिन दूसरा भी है आपका साथ साथ समान अध्ययन प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र, इसे भी सामान्य अध्ययन या सी सैट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अलग अलग टाइम पीरियड पे इन्वॉल्व हुआ है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र ठीक है, इसको ही इसको व्यवहारिक और बड़ा चलता नाम इसका सी सेट ठीक है। पीटी में आपके दो पेपर होते हैं, पहला पेपर प्रथम प्रश्न पत्र ये, और दोनों की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 200 नंबर की, इसकी वैल्यू भी 200 नंबर की है। बस अंतर ये है कि इसको क्या कर दिया गया है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करेंगे नहीं तो ये कॉपी नहीं चेक होगी। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आप सी सेट में क्वालिफाई हैं या नहीं। यदि यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते, देखो हिंदी मीडियम के लिए दो गेट बना दिए गए हैं, हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन कम होता है या कोई प्रॉब्लम होती है उसके दो रीज़न हैं। पहला गेटवे तो आपका क्वालिफाई नेचर का, ये पहले क्वालिफाइंग नहीं था। पहले क्या होता था, 200 नंबर में आपको 200 के 200 का महत्व हुआ करता था। 2015 का जो पूरा का पूरा आप सिनेरियो देखेंगे, जब सी सेट को क्वालिफाइंग बनाया गया, सी सेट इन्वॉल्व हुआ 2011 में यूपीएससी में ठीक है, 2011 में यूपीएससी में इन्वॉल्व हुआ, और फिर धीरे धीरे सारे स्टेट पीसीएस भी इसको लेकर आ गया। पहले क्या होता था, पीटी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चला करता था, पहले एक आपको समान अध्ययन और एक वैकल्पिक विषय लेना होता था, वो बहुत बढ़िया जिसका उसमें भी। तो वैकल्पिक विषय तो हमेशा से मैं मानता हूँ भेदभावपूर्ण है, यदि आपका वैकल्पिक विषय कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तीसरे का कुछ और है, चौथे का कुछ और है, तो भेदभावपूर्ण होता है। तो फाइनली इसको आगे चल के जो समय की डिमांड के हिसाब से कि आपके अंदर का एप्टीट्यूड, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो पहले भी आती थी, पहले मेंस तक में आती थी, यूपीपीसीएस में 2017 तक आई है मैथ रीजनिंग, 18 में लिखित किया तो पहले मेंस में इन्वॉल्व थी ये मैथ रीजनिंग और सारे एप्टीट्यूड को एक पूरा का पूरा पेपर ही रखते थे, लेकिन अब तो ख़त्म हो गया, मेंस में पूरा का पूरा इसका ही सिनेरियो है। तो 2011 तक में इसका बहुत बड़ा रोल होता था आपका एप्टीट्यूड का, मैथ रीजनिंग कम्प्रीहेंशन डिसीजन मेकिंग इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे टॉपिक हैं, थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको एक एक टॉपिक पे कभी डिटेल से भी क्लास लूँगा। आज मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ये बता पाऊँ कि इसको डील कैसे करें मोटा मोटी, और एक बार इसके सिलेबस को अच्छे से समझा पाऊँ। इसका इम्पॉर्टेंस है हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि एक गेट ये लगा दिया गया, लोगों को लगता है कि अब फाइनली 2015 में एक बड़ा मूवमेंट हुआ कि भाई साहब ये भेदभावपूर्ण है, जिनका समान अध्ययन अच्छा नहीं होता है लेकिन मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न एग्जाम ऐसे हैं जहां पर उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मेंस में आपने इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी, लेकिन इस गेटवे के कारण से लोग इंटर नहीं हो पा रहे हैं। फाइनली गेट के स्टूडेंट, आईआईटी के स्टूडेंट, एसएससी के स्टूडेंट, उनकी मैथ रीजनिंग और ये सब बहुत अच्छी होती थी, तो 2015 से पहले वो बहुत तेजी से इंटर प्रवेश कर जाते थे। जितने भी रिजल्ट आप देखेंगे उसमें आपको वो लोग निकले हुए दिखाई देंगे, जबकि समान अध्ययन में अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं होता था, मेंस में बहुत कम नंबर आते थे। पहली बार हुआ कि 33-34% पे भी टॉप करने लग गए स्टूडेंट, समझो बाकियों की क्या हालत होगी। तो स्थिति बहुत डिस्टर्ब हुई 2015 में, हिंदी माध्यम वालों ने एक मूवमेंट किया कि हमारे लिए सी सेट एक ऐसा कपाट बना दिया गया है जो कि बंद है, हमेशा हमें एंट्री देना ही नहीं चाहते हो। फाइनली आयोग ने इसको 33% कर दिया कि आप ऐसा करिए, कुछ मत करिए, 33% ले आइए, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे हम, ना तो नंबर जोड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब लोग हल्के में लेने लग गए, खुश तो हो गए लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने हल्के में ले लिया। अब और एक बात करते हैं, ये तो हो गया पीटी में आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का सेक्शन है, मेंस में जाते हैं, पीसीएस में तो नहीं है, यूपीएससी में है, एक और आपका क्वालिफाइंग का गेटवे लगा हुआ है जहाँ पर हिंदी मीडियम का बच्चा, यूपीएससी के रिजल्ट को आप लोग ज़्यादा देखते हो, पीसीएस में कभी आप लोग बात करते हो कि हिंदी मीडियम निकल रहा है कि इंग्लिश मीडियम निकल रहा है, कभी कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे हिंदी मीडियम का, हिंदी भाषी राज्य हैं जितने पे, वहाँ पे रेशियो ज़्यादा होता है, पीसीएस में आप लोग ज़्यादा डिस्कस करते हो, यूपीएससी में तो वहाँ पर एक दो क्वालिफाइंग जो मेंस है आपका, यहाँ पर जीएस के चार पेपर हैं, पहली बात तो आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
ये जीएस के चार पेपर हैं, एक आपका एससी का पेपर है, लेकिन अब इसके अलावा और बाकी आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं। बाकी जो आपके दो पेपर हैं जिनके बारे में आप लोग तैयारी कभी नहीं करते, एक हिंदी का पेपर है, आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ी, इंग्लिश वालों को हिंदी भी देना अनिवार्य है, ये दोनों अनिवार्य हैं, और एक आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर है। ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, 25% लाने हैं, 25%, ये 300 नंबर का एक होता है यूपीएससी में, पीसीएस में नहीं है, पीसीएस में दोनों पेपर नहीं है, पीसीएस में यूपी पीसीएस में ये पूरा है, ये पूरा का सेक्शन कर दिया गया और इसमें एक और सेक्शन जोड़ दिया गया है हिंदी, यहाँ पे हिंदी जुड़ा हुआ है, यूपीएससी में हिंदी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें इनमें, ये भी 300 नंबर का होता है, देखो 300 नंबर के हैं और इसमें आपको 25% यहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे शायद 33% के आसपास है क्वालिफाइंग, ये भी यदि क्वालिफाई नहीं करोगे तो ये कॉपियों को कोई देखेगा भी नहीं आपके, यहाँ पर भी यदि ये आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो इस कॉपी का कोई मतलब नहीं, चाहे 200 में 195 ले आओ, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर भी आपने जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हिंदी मीडियम का छात्र इन गेटवेज में रुक जाता है, कंपलसरी पेपर में, कंपलसरी पेपर जो होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यहाँ पे सीसेट को भी हल्के में लेते हो आप लोग, सीसेट का भी महत्व तो नहीं समझते हो, ऐसा लगता है कि अरे जीएस पढ़ते हैं हमेशा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी और ये करंट अफेयर्स, इस पर थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश भी कोई ऐसे नहीं, दसवीं लेवल की आती है, टेंथ स्टैंडर्ड का ये है, सीसैट को भी उन्होंने टेंथ स्टैंडर्ड पे ही बना रखा है, दसवीं स्तर का ही प्रारंभिक गणित आती है आपकी, प्रारंभिक गणित सब पढ़े होंगे, ठीक है, अब इतनी भी मैथ आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, है ना, इतना भी आपका रीजनिंग मानसिक बौद्धिक योग्यता आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को अच्छे से डिकोड कर लो, तो थोड़ा सा ब्रेन की एबिलिटी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पूछ लेता है, थोड़ा सा आप लोगों से कुछ चीज़ें डिसीजन निर्णय क्षमता आपकी चेक करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता, वैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हर चीज़ को मिला जुला के पूछता है। पहले क्या था, सी सेट में इंग्लिश थी, यूपीएससी में सी सेट में इंग्लिश थी तो उसको हटा दिया, यूपीएससी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश डाल तो रखा उसने, इस पेपर को थोड़ा ना हटवा लोगे आप, फाइनली वो यहाँ पे आके चेक कर लेगा कि आपके अंदर का कम से कम ग्रामेटिकल सेक्शन कैसा है, आपको ग्रामर आती है कि नहीं आती है, ग्रामर आपको आनी चाहिए, यदि आपको ग्रामर नहीं आती, आप लिख नहीं सकते थोड़ा सा भी इंग्लिश, तो आपसे नहीं हो पाएगा यूपीएससी, यहीं पर आप रुक जाओगे। आप यदि 300 में 75 नंबर नहीं ला पाए तो दुर्भाग्य, आपने क्या पढ़ा क्या किया, 12वीं तक इतनी इंग्लिश तो सिखा दी जाती है, यूपी बोर्ड की इंग्लिश तो मुझे लगता है ज़्यादा टफ है, हमारा ग्रामर बहुत अच्छा होता है हर चीज़ पे, हमें बहुत रूल रेगुलेशन, तभी हमारा स्पोकन इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा ग्रामर हो जाता है, क्योंकि स्पोकन वाला कभी सेक्शन होता नहीं, ग्रामर की दुनिया भर की चीज़ें हमें पढ़ा दी जाती हैं, इतना मुझे लगता है सीबीएसई में नहीं है जितना यूपी में, यूपी बोर्ड की इंग्लिश 12वीं लेवल की इंग्लिश यदि आपने, कम से कम 12th तक तो सब इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं रखते तो दुर्भाग्यशाली होते हैं, तो यहाँ तक तो आपने पढ़ा ही है, सब कुछ आप करते हैं तो उसी लेवल की बहुत आसान भाषा में, मैं इसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन पेपर देखने भी चाहिए, साइट में सब पढ़े हैं, क्या पूछता है कैसे पूछता है, ट्रांसलेशन आता है, हिंदी से इंग्लिश में करना है, इंग्लिश से हिंदी में करना है, प्रेसी राइटिंग संक्षेपण आता है वो आपको करना है, बहुत बड़े पैराग्राफ को 1/3 में कर देना है, कम कर देना है, इतनी एबिलिटी आपको होनी चाहिए, इतनी समझ आपको होनी चाहिए। फिर एक्टिव पैसिव वाइज भी आते हैं आपके, ठीक है, वो भी आपको कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको पता होने चाहिए, सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, ये सब ग्रामर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछता है, मैं कभी डिस्कस करूँगा। ईरर वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, आसान है मेरे हिसाब से, तो इजीली आप ला सकते हो, इंग्लिश में यदि नहीं ला सकते, हाँ पीसीएस में कोई जाम नहीं है इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश से बचोगे कब तक, आपकी ट्रेनिंग पूरी इंग्लिश में होती है, कम से कम इतना बेसिक इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदी भी आसान है, हिंदी में भी देखिए, हिंदी नाम का हिंदी है, यहाँ पर भी इंग्लिश का एक आपको ट्रांसलेशन आता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, जबकि हिंदी का पेपर है तो यहाँ पे भी ट्रांसलेशन करवाता है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, एक तो वहीं पे रह जाओगे आप। फिर आपको इसमें भी आपकी अच्छी ग्रामेटिकल समझ होनी चाहिए, ऐसे आपका यदि मदर टंग है तो भी आपको हिंदी आती हो ये पक्का पता नहीं, तो आपको कम से कम चाहिए कि इन पेपरों पर भी थोड़ा सा समय दिया जाए। जैसे मैं बताऊं कि आपको एक दिन कोई भी निकाल लो, चाहे संडे का 2 घंटे निकाल लो, कोई भी टाइम निकाल लो, सी सैट पे 2 घंटे एक सप्ताह में भी दो यदि आप, तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा सी सैट का, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें सीन। मेरे से पूछोगे, मैं यहाँ पे अभी रुक जाइए एक मिनट, मैं आप लोगों को पिछले साल के कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको यदि बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, यदि समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सी सेट में आपको करना क्या है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझता हूँ, ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना, आपको क्वालिफाई करना है, मैं कहता हूँ 33% के लिए मत मरिएगा, 33% का मतलब 200 में होता है 66 नंबर, ठीक है। एक सी सेट की बेटा वहाँ पर रखी होगी टेबल पर, वो ले आओ बुक,
तो 66 नंबर आपको 200 में लाना है, बहुत बड़ी डील नहीं है देखा जाए आमतौर पे, लोगों के आ जाते हैं जिनकी मैथ रीडिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन आपको लड़ना लड़ाई कितने के लिए। अब आप चाहो कि आप जाओ एग्जाम हॉल पे, 100 क्वेश्चन यदि आते हैं, पीसीएस में तो 100 देता है, यूपीएससी में 80 क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 का होता है, ठीक है। यहाँ पे 100 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर की ही क्वालिटी और वो रखता है। थोड़ा सा पीसीएस वगैरह में तो आसान होता है सीसेट, लेकिन यूपीएससी ने कठिन कर दिया है। पैराग्राफ पहले जैसे कम्प्रीहेंशन पूछता था, तो कम्प्रीहेंशन एक कम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन आते थे, अब क्या कर दिया, एक कम्प्रीहेंशन का एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अब सीधा सीधा नहीं निकलेगा। कम्प्रीहेंशन में क्या होता है, आपका रीडिंग स्किल चेक किया जाता है, कैसे आप कोई चीज़ पढ़ने के बाद उसे तुरंत कैप्चर आउट करते हो, तुरंत उससे कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल लेते हो। हाँ यही वाली, ये ले आओ, ये घटना चक्र सीरीज निकालता है, अभी पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आती है, हर बार आती रहती है ये मेरे पास। ये 2016 का है ये वाला सेक्शन, ठीक है। और सी सेट का एक सेक्शन ये है, टीएमएच का है, टाटा मैग्रा हिल, आप जानते हैं प्रतिष्ठित, इनका एक आता है ये, ठीक है। ये दो से काम हो जाएगा यदि घटना चक्र के पिछले साल के क्वेश्चन मिल जाएँ आपको, और ये पिछले साल के क्वेश्चन इसलिए ताकि आपका जो है आपको पता चल जाए कि लेवल क्या है पूछने का। इसमें कई सारे पीसीएस का इन्होंने दे रखा है, आईएएस का भी दे रखा है, पीसीएस यूपी का भी दे रखा है, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, ये सब चीज़ों का। तो मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है हर बार। जैसे अब मैंने इस पर बहुत पहले काम किया था, जब मैंने मेंस दिया था यूपी वाला, तो उसमें दिया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर टिक लगा रखे हैं, मैं आप लोगों को किसी दिन जो है, तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक एक बार मैं डिस्कस करूंगा अभी कि क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं प्रारंभिक गणित में। प्रारंभिक गणित ही होती है, प्रारंभिक गणित में चार गणित आती हैं, चार प्रकार की गणित आती है प्रारंभिक गणित में। आपकी एक अंक गणित आती है, दूसरी बीज गणित आती है, तीसरी रेखा गणित आती है, और चौथी आपकी सांख्यिकी वाला जो स्टैटिक्स वाला सेक्शन है वो आता है, ठीक है। अंक गणित में आपके टॉपिक, आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं आप, वो आता है आपका। अंक गणित में आपका एलसीएम एससीएफ आता है, बहुत आसान होता है, कुछ है नहीं एलसीएम एससीएफ में। यदि आपने अब ये पहली बात तो जोड़ गुणा घटाओ आपका कैसा है, मुद्दा इस बात का है, पता चला आपको टेबल ही नहीं आती है, भरोसा नहीं मुझे। अभी मैं किसी से अभी 17 का पहाड़ा पूछ लूंगा, कोई नहीं बताएगा 17 की टेबल, कोई नहीं बता पाएगी। तो हाँ गुणा करके आप पूरा वही टेक्टिक्स हैं, तो आपको स्क्वायर रूट नहीं पता है, क्यूब नहीं पता है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें। यदि आपका यही नहीं, कैलकुलेशन ही अच्छा नहीं है, आप जोड़ घटा ही नहीं पाते हैं, तो फिर तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। सी साइड में बहुत अच्छी है आप, बहुत टाइम, कम टाइम पे, क्योंकि टाइम नहीं होता, मुद्दे नहीं आप उसे सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुद्दा ये बात है कि कम समय में सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे समय होता कितना है, लोगों की छूट जाती है, घर पे आके वही क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, वहाँ पे 2 घंटे में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका औसत एवरेज के क्वेश्चन आप जानते हैं, अंकगणित में एवरेज आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका अनुपात समानुपात, ये भी कुछ होता नहीं, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। इसके बाद आपका परसेंटेज का ये सेक्शन है, बहुत आसान, ये इससे क्वेश्चन पक्का आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं, लाभ हानि का सेक्शन है। इसके बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज भी आप लोगों ने ये सब पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी उसी से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका है काम और समय, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद चाल, समय, दूरी, इन तीनों से ये भी क्वेश्चन आते हैं। सबके आपने फार्मूला पता किए होंगे, भूल गए होंगे, हो सकता है दिमाग में अभी थोड़ा सा पड़ गई हो, डस्ट पड़ गई हो, लेकिन आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। बीज गणित में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका वेन आरेख, इसको आप वेन डायग्राम, जो आपका रीजनिंग का भी टॉपिक लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये बीज गणित से जुड़ा होता है, वेन डायग्राम अलग से ही इसका एक अपना सेक्शन है। समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, पूरा का पूरा ये भी आपका बीज गणित से जुड़ा होता है, सेट थ्योरी वगैरह आप पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण बहुत पहले पढ़ा करते थे, बहुत कठिन लगता था द्विघात समीकरण निकालना। इसके बाद एक सरल युगपत समीकरण है, शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय वगैरह इसमें नहीं आती, वो पूरा का पूरा आपका एसएससी लेवल में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका बहुपदों का लासापा माशापा निकालते हैं, बहुत सारे पद होते हैं उनका एलसीएम एससीएफ निकालना होता है, वो भी आपका इसमें आता है। बहुपद के गुणनखंड निकालने होते हैं तो गुणनखंड भी, ये सब चीज़ें आपकी बीजगणित में जो आपके इसमें सिलेबस में दी गई है, सिलेबस की विषय वस्तु बता रहा हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पे आपका रेखा गणित में आपका जैसे त्रिभुज वाला टॉपिक है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, इनके थोड़ा थोड़ा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। समलंब त्रिभुज, चतुर्भुज है, वृत्त है, गोला है,
है ना। इसके बाद आपका बेलन है, शंकु है, ये सब बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, घन वाला टॉपिक है, सब उससे आता है, सब उसी में आपका रेखागणित में टॉपिक होते हैं। इसके बाद स्टैटिक्स का जो सांख्यिकी का विषय वस्तु है, सांख्यिकी में भी आपने आंकड़ों का संग्रह, ये सबसे ज़्यादा डेटा एनालिसिस जो आंकड़े हैं उनमें से आपने पढ़ा होगा, पाई चार्ट वगैरह पढ़ा होगा, तो आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण करना, बारंबारता बंटन आपने पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें, सरलीकरण कैसे किसी एक जो है पद दिया होते हैं उन पदों को सरल करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका संचयी बारंपरता आता है, आंकड़ों का निरूपण आता है, दंड चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, आयत चित्र आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई होती हैं। ये आपका समान अध्ययन का इसमें पाठ्यक्रम दिया गया है, ठीक है। शुरू में ही इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन, इसको बोलते हैं अवबोधन क्षमता। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए क्यों दिया जा रहा है, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अब इतना समय नहीं होता प्रशासन में, जब आप जाओगे तो इतने सारे डेली, इतने सारे आंकड़े पढ़ने होते हैं, इतना आपको ड्राफ्टिंग पढ़नी होती है, इतने सारी आपके पास डेटा होता है कि आपको प्रतिदिन पढ़ना है, तो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाए आपको वो डेटा, ऐसा ना हो 15 बार पढ़ने में समझ में आए। तो अवबोधन क्षमता, कैसे आप पढ़ने के बाद चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं और उनके मतलब, उनके जो मीनिंग्स हैं कैसे उनका एनालिसिस कर लेते हैं, इसलिए इतना कम टाइम दिया जाता है। ऐसे तो कोई भी करेगा तो अवबोधन क्षमता में, कंप्रिहेंशन में उनका आंसर निकाल देगा, पूरा दिन दे दिया जाए, लेकिन कम समय में आप कैसे किसी चीज़ को पढ़ते हो, तुरंत कैप्चर आउट कर लेते हैं, बस यही है। जैसे मैंने आपको रीडिंग स्किल का एक पूरा का पूरा एक पढ़े कैसे करके मैंने बताया था ना, उस प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास आना लग जाता है। बहुत सारे लोग पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एक बार पढ़ेंगे नहीं नहीं एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं, वो वाली आपके अंदर प्रवृत्ति रहती है ना कि अरे भूल गया, लगता है पढ़ने के बाद भूल गया। यदि वो माइंड सेट आपके पास है तो निश्चित तौर पर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे सी सेट में। आपको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपके पास रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए कंप्रिहेंशन वाले टॉपिक में, है ना। मैं एक बार इसका दिखाता हूँ कंप्रिहेंशन, यहाँ पे अभी तो मैं ऐसे ही दिखा पाऊँगा, बाद में मैं आप लोगों को इस पे अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिए गए हैं आपके कंप्रिहेंशन में, एक आपका मान लीजिए एक आपका प्रॉपरली ऐसे एक टॉपिक दिया रहता है, अब इसमें तो वैसे नहीं दिया गया, ऐसे अनुच्छेद होते हैं, एक पैराग्राफ दिया होगा प्रॉपरली, यहाँ पे पैराग्राफ्स दिए होते हैं और ये पैराग्राफ आपको पढ़ने होते हैं, और पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को तुरंत हल करना होता है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। और आमतौर पे अब पैराग्राफ उलझे हुए आते हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर ही आंसर नहीं मिलेगा, आमतौर पे सरल जो पैराग्राफ होते हैं उनको पढ़ने के बाद आपको उसी के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। UPPCS में इंग्लिश में भी पैराग्राफ आता है, इंग्लिश है वहाँ पे, और हिंदी में भी आता है, दोनों में आता है। UPSC में केवल हिंदी में आता है, और इंग्लिश वालों के लिए तो इंग्लिश में ही रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए सब इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं आती UPSC में, सी सेट में हटा दी गई है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरीके के पैराग्राफ पढ़ने होते हैं और तुरंत उनका आंसर निकालना होता है, इतनी आपके अंदर थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी और बोधन क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि पढ़ने के बाद किसी भी पाठ्य को आप आसानी से उसका उत्तर तुरंत निकाल पाए। यदि आपका ब्रेन स्लो है, आपका प्रोसेसर कमज़ोर है, तो निश्चित तौर पे आप इसमें फेल हो जाओगे। इसकी प्रैक्टिस कराएंगे कंप्रिहेंशन, चूंकि मुझी को पढ़ाना है, मुद्दा ये है, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 टेक्टिक्स बताऊँगा, एक तो पहले रीडिंग स्किल, उस पर काम करेंगे हम, ब्रेन को थोड़ा सा आप लोगों के विश्वास दिलाऊंगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ा हुआ भूल नहीं रहा है। जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आपके पास सेट होगा, मेरे पास होगा, दोनों करेंगे मिलके, मैं आपको टाइम दूंगा 25 मिनट 30 मिनट का, और उस टाइम पे आप उसे पढ़ोगे और उस पे करोगे, और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा उसके, तो आपको आसानी से लगेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो जा रहा है। पहली बार मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना होगा उसमें, फर्स्ट रीडिंग करने के बाद तुरंत आंसर लगाने होंगे, हर लेवल के दूंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 तक के हम कंप्रिहेंशन करेंगे, 5 सेट करवाऊंगा, 5 दिनों की क्लास होगी मेरी कंप्रिहेंशन की। उसमें आपका काम होगा कि आपको लेवल 1 में पहले मैं आसान उसमें दूंगा, बहुत आसान, मतलब कि पढ़ने के बाद इजीली आपको पता चल गया, बस जैसे बचपन में करते थे, बच्चों वाले होते हैं, पढ़ने के बाद आंसर निकल आया उसका। फिर लेवल 2 में उसमें बस एक ही शर्त रहेगी हमारी कि एक बार पढ़ा और तुरंत आंसर लगाने हैं, और जब वो सही होने चालू होंगे तो आपको निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है, कंप्रिहेंशन में कॉन्फिडेंस का ही रोल होता है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप गड़बड़ा जाओगे। बहुत सारे लोग कुछ उल्टा सुलटा भी बताते हैं, जैसे कि अब टेक्निक है भाई, देखो अपना अपना है, जिसको जैसे समझ में आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्रिहेंशन को हल करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो,
कंप्रिहेंशन मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, इसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, तो वो क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में जहाँ जहाँ मिले वहाँ वहाँ पे आंसर लगाते जाओ। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ सीधा सीधा ही करना चाहिए। कंप्रिहेंशन को पहले अच्छे से रीड करिए, जहाँ पे आपको लगता है, जैसे कि कहीं कहीं पे किसी किसी कंप्रिहेंशन में शीर्षक भी पूछता है, तो आप पढ़ेंगे। शीर्षक क्या होता है? जो टाइटल होता है वो शुरुआत के पहली लाइन में आपको टाइटल मिल जाएगा किसी भी चीज़ का। कोई भी टाइटल ढूंढना हो आपको, जो पहली लाइन होती है उसके शुरुआती 3-4-5 अक्षर तक टाइटल होता है, या यदि शुरुआत में टाइटल नहीं तो अंतिम लाइन जो होगी वो भी टाइटल होगा। आपको टाइटल ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, शुरुआत की लाइन या अंतिम लाइन में ढूंढेंगे किसी भी पैराग्राफ का टाइटल मिल जाएगा। कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, कोई भी गद्यांश पढ़ेंगे, उसका टाइटल शुरू ही होता है, टाइटल से ही शुरू होता है कोई। तो पहली लाइन या लास्ट लाइन, जब हमको ये पता है कि कोई भी पैराग्राफ का टाइटल ढूंढना है पहली और अंतिम लाइन में है, तो वहीं पर आपको वो कर देना है। पूछता है कहीं कहीं पे पूछता है, यूपी पीसीएस में या फिर अदर पीसीएस में जहाँ हिंदी आता है वहाँ पे टाइटल से एक क्वेश्चन बनता ही है, बनता है कि इस पैराग्राफ का टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें, या टाइटल आपको देना भी होता है। तो जो भी टाइटल आपको हो वो टाइटल आपका पहले अंतिम में मिल जाएगा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर वहीं पर मिल जाएगा आपको। टाइटल आपको पहली लाइन या अंतिम लाइन पे ढूंढिए, आपको टाइटल वहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कर, बहुत आसान आसान, बिल्कुल सीधा पढ़ना, पहले पैराग्राफ पढ़िए, पढ़ते समय वहाँ पे डिनोट करते जाइए। मैं कुछ टेक्टिक्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिनोट करनी होती हैं, और इसके बाद चुपचाप आ करके आप 5 क्वेश्चन, जो दो कहीं 5 दिए, आप तो यूपीएससी एक ही देता है एक पैराग्राफ में, ठीक है। यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा लेवल अप हो गया, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, तो उसके क्वेश्चन को आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा समझना, वहाँ पे पढ़ते समय बहुत जिम्मेदारी। क्यों? एक तो दिक्कत ये है कि यार हिंदी का ये अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो शब्द आपकी, यदि हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, आपके वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आप हिंदी में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से पैराग्राफ को समझ नहीं पाएंगे। बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हैं और समझ में नहीं आते, गूगल ट्रांसलेशन होता है कई बार, तो स्पीच टू टेक्स्ट वाली बात होती है ना, इस बात के पौसम मत जाइए। अभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक शब्द प्रयोग, उसके लिए शल्यक प्रहार लिखा हुआ था, एक आया था पैराग्राफ, अब उसमें शल्यक प्रहार में क्या समझे? अब कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक आप आसानी से लिख सकते थे देवनागरी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि ऐसे ऐसे आप करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पर आप क्या समझेंगे थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश भी बगल में रखो, पेपर में एक तरफ इंग्लिश भी रहती है ताकि तुरंत देख लेना, या फिर अपनी हिंदी में इतनी अच्छी समझ होनी चाहिए कि किसी भी विषय को तुरंत समझ जाए। और हिंदी अच्छी समझनी मेरे ख्याल से बहुत कठिन काम नहीं है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में पैराग्राफ आते हैं, एक संपादकीय उठा के चलो बस, उस संपादकीय में इतने इतने शब्द, अच्छे शब्द सीखने को मिल जाते हैं डेली बेसिस पे। यदि आप, मैं ज़्यादा कह नहीं कर रहा, 6 महीने का संपादकीय पढ़ते हो, यदि संपादकीय का एक ही संपादकीय लो, ये नहीं कि 15 संपादकीय पढ़ने हैं हमें, एक ही ले लो, 6 महीने तक लगातार एक संपादकीय पढ़ते चले जाओ, आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आप इंग्लिश का पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत हो जाएगी, उसमें वोकैबुलरी का भंडार होता है, इतने अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग किए जाते हैं और समकालीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो अभी चल रहे होते हैं। द हिंदू पढ़ोगे, द हिंदू में आपको समझ में नहीं आएगा आधा द हिंदू, तो भाई मुझे खुद नहीं समझ में आता तो मैं आप लोगों से क्या कहूँ। कई बार आपको डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि ऐसे शब्द आ जाते हैं, अब उन शब्दों को आपको ढूंढना पड़ेगा। हिंदी में भी आप न्यूज़पेपर में जाएंगे आपको कई बार नए शब्द, तो अपने पास एक डायरी रखो, एक इंग्लिश वोकैबुलरी की अलग रखो, एक हिंदी की अलग रखो, जब भी पढ़िए कुछ नया मिलता है तो उसको लिख लीजिए, जब भी पढ़िए जब नया मिलता है, और जब ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, डायरी अपने पास रखो, वोकैबुलरी मजबूत होती जाएगी कम से कम। अच्छे शब्दों का प्रयोग करते रहोगे आप, उनका यूज़ करना सीखो, तो आपको अपना शब्द भंडार बढ़ाना चाहिए यदि आपको बहुत अच्छी समझ रखनी है रीडिंग स्किल में और लर्निंग स्किल में, समझने में। अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी बढ़ेगी जब आपका शब्दकोश बहुत अच्छा होगा, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी होगी, आपकी समझ होगी हर चीज़ में, तो आपको अपना शब्दकोश पर काम करना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, जीएस पढ़ने वाले बच्चे को मेरे ख्याल से कंप्रिहेंशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होते हो, इतनी किताबें पढ़ चुके होते हो, कंप्रिहेंशन समझने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। एक चीज़ और बताऊँ, कंप्रिहेंशन पढ़ने में एक प्रॉब्लम और आती है, यदि आप मान लो साइंस एंड टेक का कोई कंप्रिहेंशन दे दिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, और जीएस में वो टॉपिक आपका कमज़ोर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपको नहीं समझ में आता, मान लो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से कोई पैराग्राफ दे दिया गया, अब वो पैराग्राफ आपको, चूंकि आपको जैव प्रौद्योगिकी पता ही नहीं, आपको पता नहीं किस बारे में चर्चा चल रही, तो आपको बोरिंग लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए समान अध्ययन की भी आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए। इतिहास का दे दिया, पॉलिटी का दे दिया, ऐसे ही आते हैं लेख, कोई द हिंदू का आर्टिकल उठा के रख देते हैं, कहीं से भी उठा के रख देते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है उसका। तो आपको पहली बात तो जीएस के हर टॉपिक में अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए,
यदि वो किसी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ तो उस विषय वस्तु को आप आसानी से डिकोड कर पाओ। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, पीसीएस सीसीएस का लेवल तो अभी पिंटू सा है, कुछ नहीं है उस लेवल में, उसका कंप्रिहेंशन तो बस पढ़े और खट 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 खटम। यूपीएससी में दिक्कत होती है कई बार, तो मैं खुद उस पर उलझ जाता हूँ क्योंकि उसके आंसर पचला चारों विकल्पों में आपको समझ में नहीं आ रहा कि चारों में कौन सा सही है, दो दो में आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो एक नेक्स्ट लेवल उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा मैं आपको भरसक प्रयास कराऊंगा। खेल है प्रैक्टिस का, बस मैं आपको रूल बता के चला जाऊंगा, 5 दिन की क्लास में आपको 2-4 तरीके बता के चला जाऊंगा, है ना। क्रिकेटर जो होता है वो दिन भर प्रैक्टिस ही तो करता रहता है, सचिन तेंदुलकर आज भी रिटायरमेंट के बाद भी प्रैक्टिस करते होंगे, प्रैक्टिस करना है उसको, कंप्रिहेंशन प्रैक्टिस की चीज़ है। आपको कोशिश करनी है कि 500 कंप्रिहेंशन प्रैक्टिस करके आप कम से कम जाओ। और ये बुक आपको जो मैं दे रहा हूँ, ये बुक आपको ले लेनी है, TMH की है, टाटा मैग्रा हिल की बुक है, ये बुक आपके पास सी साइड की एक ही बुक इनफ है, 50 बुक मत पढ़ो, इसमें सारा कुछ डेटा दिया गया है। और घटना चक्र ले लेना जब घटना चक्र आ जाए, अभी घटना चक्र उपलब्ध नहीं है, जब घटना चक्र आ जाए तो घटना चक्र आपको तब ले लेना है। घटना चक्र ने भी क्या काम किया है, सभी अलग अलग निकाली हैं, देखिए इसके भी जैसे आपका GS का आता है ना, GS की तरह सीसैट का भी इन्होंने कंप्रिहेंशन का अलग बनाया है, मेंटल इंटरपर्सनल स्किल का अलग बनाया है, और इसमें सारे क्वेश्चन है पिछले साल के, तो इससे भी आपका 90 क्या मेरे ख्याल से 99% काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है, उनकी संख्या इसकी वैल्यू बदल सकती हैं, लेकिन तरीका वही होगा सॉल्व करने का, समझ रहे हैं। और कई बार क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, इसमें खुद देखेंगे हर बार में ईयर लिख रखा है इन्होंने, वही क्वेश्चन IAS में पूछा गया, कई बार PCS में पूछ दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन अभी आप कम से कम TMH की एक ले करके सीसाइड जरूर करें, पर डे का आपको 1-1.5 घंटे निकालना है इसमें, कंप्रिहेंशन पर डे का नहीं, सप्ताह में 2 घंटे निकाल लो, 2 घंटे भी बहुत होता है मेरे ख्याल सप्ताह में। ठीक है, हम भी जब यहाँ पे क्लास रखेंगे तो मैं संडे को ही 2 घंटे की क्लास आप लोग की रहा करेगी, संडे को अपना क्लास किया, क्लास करने के बाद घर पे जाके 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर ली, खत्म बात, समझ रहे हैं। संडे का दिन थोड़ा सा सीसैट को दो साथ साथ, ताकि दिमाग में जंग लग गई है ना, वो जंग निकलती चली जाए, मैथ सॉल्व करने से आपके दिमाग की जंग खत्म हो जाती है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, मैथ का कैलकुलेशन आपके ब्रेन को शार्प बनाता है। ठीक है, बिना कैलकुलेटर की मदद से मुंह जवानी कैलकुलेट करने की कोशिश किया करो, जोड़ने की कोशिश किया करो, 2 संख्याएं ले लो, कैलकुलेट करो, जोड़ो, प्रैक्टिस करते रहा करो, खाली टाइम पे थोड़ा सा टाइम ले लो कि चलो अब मैं आधे घंटे अपने ब्रेन में नंबर सोचूंगा और नंबर सोच के उन्हें कैलकुलेट करूंगा, जोड़ूंगा, तो धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन मेथड भी अच्छा हो जाएगा। अभी क्या हो गया है, बहुत आसान हो गया, तुरंत मोबाइल का कैलकुलेटर खोले, है ना, किसी से कहो 15+35 करो, उसमें भी वो कैलकुलेटर खोलेगा, अरे भाई साहब। ठीक है, तो कैलकुलेटर को अब हटा दो, अपने ब्रेन को कैलकुलेट करना सिखाओ, और धीरे धीरे कैलकुलेशन, मैथ उसका अच्छा होता है जिसका कैलकुलेशन, जिसका जोड़ गुणा भाग घटाओ, यही तो है और क्या है, मुझे ये बता दो, पूरे मैथ में जो आप लोगों को पढ़ना है बस यही है, ये 4 चीज़ों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बहुत फास्टली आप डिवाइड कर दें, बहुत मल्टीप्लाई कर लें बहुत फास्टली, उसके लिए आपको कुछ फार्मूला पते होने चाहिए, आपको कम से कम टेबल याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, तरीके ये तो कम से कम आपका यहाँ पर भी इस बेसिक लेवल पर आपकी अच्छी तैयारी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन पर एक अच्छी खुद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से होगा। देखो ये ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई आकर के भर देगा दिमाग में, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, भागोगे चीज़ों से तो कुछ नहीं, कभी नहीं सीख पाओगे। मैथ अच्छा किसको डर लगता है, मैथ से कोई है जो मैथ से डरता हो, आज तक मैथ ली ना हो, 10वीं के बाद छोड़ दी हो, 10वीं के बाद मैथ नहीं पढ़ी, 10वीं के बाद आपने भी नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी, क्या किए कि 10वीं के बाद क्या था, स्कोरिंग के चक्कर में ना। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कोई सब्जेक्ट अच्छा है या बुरा है, बट ये कि दिमाग आपका कम से कम मैथ ठीक है ना, आप लोग की वैसे चेक हो जाएगी, टेंशन ना लो, किसी दिन जिस दिन मेरा मूड बना उसी दिन मैं लेके आऊँगा मैथ के कुछ क्वेश्चन, और फिर देखेंगे किसका दिमाग कैसे चलता है। बता भी दूंगा तो आपको क्या पता चलेगा, मैं हर एक ऐसा करूँगा, परसेंटेज से एक रखूँगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस से रखूँगा, एक एक ऐसे ऐसे करके रखूँगा, और फिर आकर के उनको देखेंगे कैसे क्या होता है, देख लेंगे आपका ब्रेन कैसे काम करता है। कम से कम बेसिक टेस्ट एक हो जाएगा कि सी सैट में क्या है, बाकी जो आपको शिक्षक आएंगे वो आपको पढ़ा के जाएंगे, सी सैट अच्छे से पढ़ा के जाएंगे, प्रयास में रहेगा कि मैं एक ऐसा यहाँ पे अच्छे टीचर लेकर आऊँ जो आपको बहुत ईजिली समझा दें चीज़ों को। अच्छा, भरोसा हिंदी के ऊपर है।
मैथ रीजनिंग यदि गड़बड़ है तो सी सेट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, लिख लो इस बात को, क्योंकि हिंदी के सारे के मैथ रीजनिंग आप पूरे के पूरे सही करके आ सकते हो, लेकिन सी सेट में हिंदी के क्वेश्चन आप पूरे सही करके नहीं आ सकते, हिंदी के क्वेश्चन नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं पे आप फंस जाओगे उसमें, हाँ वहाँ पे आप गड़बड़ा जाओगे। मैथ रीजनिंग वफादार सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से सी सेट में सबसे पहले रीजनिंग करनी चाहिए। रीजनिंग बहुत आसान होती है, बहुत आसान, बहुत ईजी, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप रीजनिंग मुझे लगता है इसी से समझ जाओगे, इसी से कुछ दो चार रीजनिंग है जो आपको पजल्स वगैरह में थोड़ा दिक्कत आएगी वो आप समझ जाओगे। आज के टाइम पे देखो यूट्यूब में भी बहुत कंटेंट है सी सेट का, आप कोई टॉपिक डालोगे 50 वीडियो खुल के आ जाएंगे, तो आपको ट्रिक्स और ट्रिक्स समझनी है उससे और उसको सॉल्व करते रहना है। सी सेट के लिए बहुत कंटेंट अवेलेबल हो चुका है, SSC वालों ने बहुत सारे अवेलेबल करा दिया, तो उसके कई टाइप, जो टाइप आपको चाहिए उस टाइप का आप देख लो, खत्म बात, जो टॉपिक आपके दिए गए हैं वो समझ लो। लेकिन है आसान, बहुत ईजी है, बहुत कठिन नहीं है। मैंने तो सी सेट खुद से ही पढ़ा था, जब मैं 2014 की बात बताऊं, 2014 तक सी सेट था और एक भय था कि सी सेट में कम से कम 195 तक लाने होंगे, तब तो ये दिमाग में चला करता था। तो पहले मैं एक बार गया था CL कैरियर लॉन्चर के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने डरा दिया कि GS क्यों पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होता GS से, GS पढ़ के क्या करोगे। तो मैंने कहा यार ये, उन्होंने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, CL वालों ने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया दिमाग में कि आपको GS की ज़रूरत नहीं है, सारा खेल सी सेट का है। क्या सही बात है, उन्होंने कहा GS आप ऐसे घर पे पढ़ लो, कितना GS क्या करोगे, पढ़ के कितना पढ़ोगे, यहाँ पे 195 लाना है, वहाँ पे आप 50-60 ले आना, काम हो जाएगा। उन्होंने कहा ये भी सही बोल रहे हैं, 50-60 इधर, 195 इधर। अब जैसे CSAT बहुत अच्छा हुआ, पढ़ा गया, पता चला क्वालिफाइंग हो गया। 2015 में मैं 2-3 दिन तक टेंशन में रहा, क्योंकि मेरा CSAT अच्छा हो गया, GS गड़बड़ हो गया। फिर 15 के बाद GS में लगा गया बहुत अच्छे से, GS पढ़ा था लेकिन एक बार हो गया ना, PT क्वालिफाई करना है तो भाई CSAT के बिना नहीं हो पाएगा। फिर GS में 15 में फिर GS में लगे अच्छे से, तो फिर GS की वैल्यू बनी, तब जाके 16 मैंने एग्जाम दिया था और 16 में मैं इंटरव्यू तक गया था UPSC में। तो क्या होता है कि आपको कम से कम एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी चीज़ों की, यदि आप वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं होगा। अब इसमें 33% के दिमाग से मत चलना, मेरे हिसाब से आप 50% दिमाग में लेके चलना कि आपको 50% CL पता है अभी क्या कर रहा है, जैसे क्वालिफाइंग हुआ SSC में आ गया, उसने सोचा अब यहाँ कोई पूछेगा नहीं, अब किसको कहेंगे कि भाई साहब अब 33% है, तो वहाँ पे अब 50% अब वो आ गए SSC में, बंद हो गया वहाँ। फिर हम गए एक बार, उन शिक्षकों से मुझे ज़रूर मिलना था जिन्होंने मुझे मिसगाइड किया था, यही सब कुछ है, उनसे बात करनी थी। होता है ना, एक कोचिंगों का एक फंडा होता है, देखो मैं साफ सीधी सी बात हूँ, हर कोचिंग यही करेगी, कहीं जाओगे कोई घुमा देगा, कोई कहेगा हम ही तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हमसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है, तो ये सब चलता रहता है, व्यापार है, बिजनेस है, क्या करोगे आप, ठीक है वो चलने वाली कहानी। तो यहाँ पर तैयारी 50% की आपकी होनी चाहिए कि मैं 50% कम से कम सॉल्व करके आऊँगा। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन मुझे 50 सही करके आने हैं, इससे ज़्यादा कर लो तो बोनस है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है भाई साहब यहाँ पे, गेम ये भी है। 50 करो, पता चला 33 किए चले आए, 33 मारे चले आए, पता चला माइनस मार्किंग में जाके वो पहुँच गए 22-23 में, ठीक है। तो आपको 50 की तैयारी करनी है ताकि कट पिट के वो क्वेश्चन आपके 40 तक जाके रुक जाए, इतना एबिलिटी लेनी है, यानी कि 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करने, 100 नहीं करने, इतनी की तैयारी करनी है आपको। 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ 2 घंटे में, बात ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि अरे मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना, नहीं भाई, जो नहीं आ रहा छोड़ दो, इसकी अलग ट्रेनिंग तरीका है, इसमें सीधा 50 छोड़ने हैं, 50 करने हैं, खत्म बात, दिमाग में लेके जाओ 50 करके आने हैं, ज़्यादा आ रहे हैं तो कर दो, यदि आ ही रहे हो इतना अच्छा सी सेट है तो कर दो, क्या दिक्कत है, खाली टाइम पे बैठोगे थोड़ो ना। लेकिन फिर भी दिमाग में एक, आप जैसे मैंने UPSC में आपको बताया है कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 64 करने हैं, ठीक है, 20 छोड़ने हैं, 16 गलत करने हैं, आप गलत नहीं करोगे हो जाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करने का पूरा आपको कितना है, 80 क्वेश्चन का अटेम्प्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 50% पूरा छोड़ दो, मत रिस्क लो, 50 आपको सही करके आना, जिसमें कितने गलत हो जाएंगे, गलत हो ही जाएंगे 4-6-8, आप गलत करा आपके बस का क्या है, 10 गलत कर दोगे तो भी 40 क्वेश्चन आपके सही होंगे और वो माइनस मार्किंग हटा करके भी आपका 33% बन जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाओगे। और बाकी टॉप थोड़ा ना करना सी सेट में,
ठीक है, अपना काम निकालना है, फिर पूरा गेम इधर होना है जीएस वाले पेपर में, मेरिट यहाँ से बननी है। तो बस यहाँ से ये यह कि इससे निकल जाना। हिंदी मीडियम का बच्चा इस गेट में रुक जाता है, बहुत सारे बच्चे सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। इंग्लिश मीडियम में भी ये पूरा का पूरा जो रेशियो है, लगभग लगभग 26-27% स्टूडेंट सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाता है। जिनका जीएस बहुत अच्छा होता है लेकिन सी सेट गड़बड़ होता है, वो 33% नहीं ला पाते। अब तो यूपीएससी ने पेपर बहुत लेंदी बना दिया है, है ना, तो उस कारण से सी सैट में पसीने छूट जाते हैं। पता चला जीएस बहुत अच्छा हो गया, खुश हो गए आप, अब इसके बाद सी सैट के पेपर में गए बिल्कुल दुखी दुखी निकले कि भाई मेरा सी सैट संभाल ले कोई। एक कुछ लोग बहानेबाजी भी करते हैं, उनका जीएस खराब होता है वो बोलते हैं मेरा सी सैट खराब हो गया है, वो ये नहीं बताते कि जीएस खराब, वो कहते हैं मैं क्वालिफाई हो जाऊँ तो मैं टॉप कर जाऊँ, मेरा पीटी क्वालिफाई हो जाए। अरे भाई साहब, बहानेबाजी से काम नहीं होगा, आपको सिलेक्शन लेना है तो दोनों पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। सप्ताह में 2 दिन जरूर दीजिए, अभी से दीजिए। जिनको 2020 देना है वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे जो भी स्टेट पीसीएस हो, जहाँ पर मैथ रीजनिंग और ये का काम है, आप ये बुक ले लेंगे और इसको सॉल्व करना चालू कर देंगे अपने स्तर पे। एक मैं आप लोगों को एक शिक्षक उपलब्ध करा दूंगा जनवरी से, जो इसके डाउट्स होंगे वो शिक्षक करवाएंगे आपके, क्लियर, ठीक। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्रिहेंशन मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको खुद का सेट बना के दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन मैं खुद बनाऊंगा, मैं इनसे नहीं लेके आऊँगा, मैं अपना खुद का कॉम्प्रिहेंशन मैंने बनाया भी है, तो उससे क्वेश्चन आपको दूंगा, थोड़ा टिपिकल जैसे न्यूज़पेपर आते हैं ना, न्यूज़पेपर के कॉम्प्रिहेंशन, करंट की न्यूज़ के मैं बना के लाऊंगा आपको, करंट का कुछ न्यूज़पेपर होगा उससे 4-5 क्वेश्चन ऐसे बना के फिर दूंगा आपको, ठीक है। आपको लेकिन अभी से प्रैक्टिस चालू कर देनी है, जो डाउट आपको मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, किसी और चीज़ का होगा, आपको एक शिक्षक मिल जाएंगे, संडे को आपको 2 घंटे में 2 घंटे पढ़ा के जाएंगे, 2 घंटे आपके साथ बैठेंगे आपके डाउट के लिए। तो जो आप घर में प्रैक्टिस करके आओगे वो उसका आपका डाउट क्लियर करेंगे, बस और क्या चाहिए आपको, ठीक। तो आपका मैथ रीजनिंग जून तक में बहुत अच्छा हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है, बहुत इजी है। अब देखो इसको एग्ज़ाम पेपर को हैंडल कैसे करना होता है इसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं, पूरे के पूरे पेपर को भी हम समझ लेंगे अच्छे से। देखो अब इसमें और क्या क्या है, पहले एक बार समझ लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका महत्व है। पहला है आपका कंप्रिहेंशन, ठीक। कंप्रिहेंशन में आपका कई तरीके के कंप्रिहेंशन आते हैं, कई बार आते हैं विश्लेषणात्मक, आपको डायरेक्टली उनके आपके उत्तर उन कंप्रिहेंशन में नहीं मिलेंगे, लेकिन कई बार जो है विषय वस्तु जुड़े हुए होते हैं। विषय वस्तु यदि आपको जुड़ा हुआ मिल गया, मान लो आपका पॉलिटी अच्छा है और पॉलिटी का ही कंप्रिहेंशन मिल गया, तब तो आपके मजे हैं, है ना, आप क्वेश्चन ही पढ़ के आंसर दे सकते हो कई बार। लेकिन कंप्रिहेंशन में क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं दिया जा सकता। यदि कंप्रिहेंशन में लिखा है कि राष्ट्रपति भारत का वास्तविक प्रधान होता है और वहां पूछा गया, अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि नहीं नहीं ये तो संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक तो प्रधानमंत्री होता है, तो आपको कंप्रिहेंशन का आंसर लिखना पड़ेगा। वहां पे अपना ज्ञानबाजी नहीं लगाना कि इसने गलत कैसे लिख दिया, गलत कैसे छाप दिया, है ना, वहां पे ज्ञानबाजी ये नहीं चलेगी। आपको कंप्रिहेंशन में जो लिखा हो गद्यांश के अनुसार आपको उत्तर देना होता है, कोई चीज खुद से सुधार नहीं करनी होती, समझ रहे। जो कंप्रिहेंशन में बोल देगा कि दिन 24 घंटे का होता है और रात 24 घंटे की होती है, दिन और रात मिला के 48 घंटे होते हैं, पृथ्वी 48 घंटे में घूर्णन करती है, 48 घंटे करती है कंप्रिहेंशन में लिखकर, अब वहां पे दिमाग नहीं लगाना कि पृथ्वी 24 घंटे में करती है, 48 गलत मिसप्रिंट हो गया, ये नहीं होता। जो एग्जैक्ट कंप्रिहेंशन में लिखा है वही बात आपको माननी पड़ती है, ठीक है। तो कंप्रिहेंशन ही सर्वे सर्वा होता है, उन क्वेश्चनों का मालिक होता है, वहीं से उत्तर आपको निकालना पड़ता है कैसे भी करके, जो उसका आंसर निकलेगा। अपना दिमाग लगाए तो आप गए। ज़्यादातर रिस्क जो आपकी अच्छी समझ वाले विषय होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कंप्रिहेंशन आ गया उसमें आप फंस जाते हो, ठीक है। तो कंप्रिहेंशन अच्छे, क्योंकि एक तो ये होता है कि अरे नहीं तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, वो सब चीज़ें टेक्टिक्स मैं प्रयास करूँगा कि आपको सिखाऊँ मैं। तो अवबोधन क्षमता, इससे आपका प्रश्न आएंगे कंप्रिहेंशन से। दूसरा है आपका इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल IPS, है ना, इंटरपर्सनल, हाँ हाँ, कितने आते हैं, कितने भी आए, 3-4 भी आ जाते हैं कहीं कहीं पे, मान लो इनकी वैल्यू टोटल 10 नंबर या 15 नंबर या 20 नंबर तक चली जाती है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके आते हैं, अब ये चीज़ें मैं बता दूंगा कितने कितने आते हैं उस पर डिस्कशन हो जाएगा, अभी मैं डेटा लेके नहीं आया, नहीं तो मैं हर साल का डेटा आपको बता दूंगा किस साल कितने आए। एक बार कम से कम पेपर तो देख लो भैया, कंप्रिहेंशन का पेपर भी तो कंप्रिहेंशन का उपलब्ध है, वो आज तक नहीं देखा तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, हाँ,
हाँ उसमें उसमें 30-40 नंबर का वैल्यू बन जाता है पीसीएस में। यूपीएससी में 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 34 नंबर, हर साल वेरिएट होता रहता है कब कितना पहुंच जाए। इस साल कुछ और है, अगले साल कुछ और है, कोई फिक्स थोड़ो ना है, लेकिन आएगा ये फिक्स है, कंप्रिहेंशन आएगा ये फिक्स है, ठीक है। वैल्यू है, यदि ये भी नहीं हुआ, आपके तीनों अच्छे होने चाहिए, मैथ, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन, तीन अच्छे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। कंप्रिहेंशन गड़बड़ है, मैथ रीजनिंग अच्छी है तो भी आपका नहीं हो पाएगा। यदि आपका कंप्रिहेंशन अच्छा है, मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं, तो भी नहीं आपका हो पाएगा। तीनों आपका तीन में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद अगला है आपका इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल IPS, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके अंदर के व्यक्तित्व की बात है। ये भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बात की जाती है। अच्छा चलो एक छोटी सी बात करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल में मुझे ये बताओ, जब हम किसी से बात करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है आई कॉन्टैक्ट की। तो मुझे ये बताओ, जब हम किसी से बात करते हैं तो आंखों में आंखें डाल के करते हैं कि चेहरे में डाल के, कैसे बात करते हैं, किधर बात करते हैं, बात कैसे करते हैं ताकि प्रभावी हो पाए? आई कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए, देखना चाहिए, किसी को भी देखना चाहिए। चल मैं आपसे ऐसे बात करूं, इधर देखूं, बात आपसे कर रहा हूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को? आई कांटेक्ट तो बहुत जरूरी है आपको। यदि मैं बात कर रहा हूं तो आई कांटेक्ट का एक वैल्यू है ना, ताकि मेरा प्रभावी संप्रेषण हो पाए, है ना। घर में किसी से बात कर रहे हो, ऐसे करके बात कर रहे हो, सामने इधर बैठे, बोले के ये तो आंखों की प्रॉब्लम है, इसको क्या बोलते हैं लड़कियों, क्या कुछ बोलते हैं उसको, बहंगा, हाँ लड़का बहंगा ऐसे देख रहा होता सामने बात रहे वो वाली। इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जब आप करते हो, किसी के साथ बैठते हो, किसी से चर्चा करते हो, तो जब हमारी बातें होती है तो आंखों में आंखें डाल के नहीं होती आमतौर पे, ये लगता है और ये करना चाहिए, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। लेकिन आई कांटेक्ट कितने सेकंड का होता है, कितने, आपको शायद कभी इन चीज़ों को देखा ना हो। वैसे हम जब कभी किसी से आई कांटेक्ट करते हैं तो आई कांटेक्ट की अवधि जहां तक मेरे हिसाब से होती है तो मैक्सिमम 10 सेकंड तक आप कर सकते हो। 10 सेकंड बाद आपको नज़रें हटानी ही पड़ेंगी, आप फिर फेस को देखकर बात करते हो, आप फेस के बाद अदर इधर उधर, लेकिन आपकी नज़रें उधर ही होती हैं। लेकिन आप डायरेक्टली किसी से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, आई कांटेक्ट में। तो ये सीखना होगा, इसे भी हम सीखेंगे, बात कैसे करते हैं, संप्रेषण को कैसे प्रभावी बनाते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि आपका जनसंपर्क, लोगों से मिलना जुलना, कैसे संप्रेषण करते हैं, कैसे कम्युनिकेट कैसे हैं, कैसे बातचीत करते हैं, नेतृत्व करने की शैली इसी के अंतर्गत आता है, इसी विषय वस्तु में आपका एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है, लीडर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे सब इथिक्स का टॉपिक है लेकिन इंटरपर्सनल स्किल में भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आपको कार्यालय संचार प्रक्रिया, कैसे ऑफिस वर्क, ये ऑफिशियल वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका प्रभावी संप्रेषण कैसे करते हैं, ये सब इसकी विषय वस्तु है, ठीक है। इसी में संचार प्रक्रिया आती है, प्रशासनिक कौशल की समझ आती है, ये सब विषय वस्तु बहुत अच्छा है, ये आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अच्छा टॉपिक डाला गया है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत अजीबो गरीब आते हैं UPPCS में और UPSC में, मैं समझाऊंगा, आपने आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, पूरे को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे, लीडरशिप क्वालिटी समझ में आएगी, कम्युनिकेट करना आएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद अगला है इंटरपर्सनल स्किल की 2-4 क्लासेस भेज लूँगा मैं, जो मुझे मेरे अंदर कुछ खूबियाँ हैं, जो खूबियाँ सिखाना चाहूँगा, बाकी तो आई नहीं मेरे पास ज़्यादा, ठीक है। पर्सनालिटी जिसके पास अच्छी है वही सिखाए तो ज़्यादा अच्छा है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी थोड़ी ना अपनी, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल मेरा बहुत अच्छा है, कम्युनिकेट करने के बाद आपको ऐसा आप कम्युनिकेट करो कि किसी के दिमाग में आप सीधा आघात करो, उसके दिमाग में अपनी बात बैठा दो, आप बोल रहे हो तो सामने वाले का दिमाग घूम जाए पूरा, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए जहाँ पे आपकी बात मानी जाए, चाहे आप नीचे के अधिकारी हो चाहे ऊपर के हो, जब आप अपनी ठोस बात रखो तो सामने वाले को लगे कि हाँ बोल रहा है, नहीं तो बोलो ही ना, नहीं तो मौन सही। कुछ लोगों की आदत होती ना बीच में घुसने की, बोलने में, कम्युनिकेशन में बोल, दो बात कर रहे हैं वो सुन भी नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी किट 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 के घुस जाएंगे अंदर, कोई फायदा नहीं होता, उनका कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। आप तब तक मत किसी से बात करिए जब तक आपकी बात का आपको अवसर न दिया जाए, दूसरों की बातों की सुनने की क्षमता रखिए, और जब आपको अवसर मिले तो आप बोलें और फिर उन्हें प्रभावी, तभी आपका प्रभावी संप्रेषण होगा। और उसमें बात में आपके आपकी बात ठोस होनी चाहिए, तर्कहीन नहीं होनी चाहिए, बात में बहुत चुनिंदा चीज़ें होनी चाहिए,
उतना ही बोलिए जितना, देखो एक चीज बताऊं, आप जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, बातचीत करने का सिर्फ 7-8% प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, सारा का सारा प्रभाव मेरी आपको बॉडी लैंग्वेज का पड़ता है, सारा का सारा काम आपकी बॉडी लैंग्वेज करती है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये बोलते समय कैसा है। मान लो कोई गमगीन आप शोक सभा में गए हो और वहां जाके हंसते हंसते बोल रहे हो, है ना, तो वो कैसा प्रभाव डालेगा, हंस रहे हो वहां पे, अरे अरे आप कैसे खत्म हो गए, मुझे बड़ा दुख हुआ, है ना, तो वो कहेगा अरे यार इसको मजाक कर, ये मजे ले रहा है हमारे, ठीक है। अब पता चला किसी की शादी के अवसर में हुए, वहां गए हाथ मिलाए, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, आप जो है वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे एक बार गए मतलब बोलने का तरीका, वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन आपके बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे जाने के बाद आपकी एक ऊर्जा, हर कंडीशन की आपकी एक ऊर्जा आपको दिखनी चाहिए, सामने वाले को दिखनी चाहिए, समझ रहे हैं। किसी के पास जा रहे हैं, किसी मीटिंग पे गए हाथ मिलाया, जैसे हाथ को किसी ने लकवा मार दिया, अरे वहाँ पे भी जाने के बाद क्या आपका इंप्रेशन पड़ेगा, उस लेवल का आपको हर चीज़ पे, आपके हर एक स्टेप पे आपके लोग आपको समझ रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ बोलना, बोलने से तो आपका पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि हाँ भाई क्या इसके अंदर शैली है, लेकिन सारा का सारा खेल बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, सब कुछ चेक होता है, सबसे पता चल जाता है कि क्या पर्सनैलिटी होगा। हर चीज ये हम लोग सीखेंगे जब मैं कभी IPS की क्लास लूंगा, ठीक है, इस अवधि में जो मेरे अंदर है, जो चीजें मैंने पढ़ी हैं, जैसे मैंने स्वेट मार्टन को पढ़ा है, स्वेट मार्टन की एक बॉडी लैंग्वेज पे एक बुक आती है, ठीक है, एक इनकी भी पढ़ी है, डेनियल कार्नेगी की एक बुक पढ़ी है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो आपको कुछ किताबें हैं जो मेरे पास जिन्होंने बताया है कि कैसे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करना है, कैसे आपको बेहतर बनना है, कैसे आपको सामने वाले के प्रति सामने अपना प्रभाव छोड़ना, कैसे आप बात करें सामने वाला सम्मोहित हो जाए, समझ रहे हैं, लगे कि यार क्या व्यक्ति है, क्या पर्सनालिटी है, क्या गजब का व्यक्ति है, कहाँ पे आपको मुस्कुराना है, कहाँ पे आपको, सब हर चीज का है, कैसे खड़ा होना है, ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं ना कभी कभी खड़े होने पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़े होना मतलब यदि 3 लोग खड़े हैं तो कैसे खड़ा होना है, 2 लोग खड़े हैं तो कैसे खड़ा होना है, 4 लोग हैं तो 4 लोगों में कैसे आपका होना चाहिए, आप अपनी पोजीशन सेट कर लो चुपचाप, ताकि आप बच जाओगे, आपका संप्रेषण प्रभावी हो जाएगा उस मामले में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा प्रयास करूंगा, कुछ मैं आपको यहाँ पर इमेजेस भी दिखाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे आपको स्टेप करने चाहिए, फिर धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। हर चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, एक अधिकारी बन रहा हो तो अधिकारी दिखना चाहिए यार, वास्तव में एक ऑफिसर है, समझ रहे हैं, ऑफिसर को आप देखोगे ना वो बिल्कुल दिख ही जाता है, अंदर से दिख जाता है कि हाँ भाई ये है, ये क्वालिटी है इसके अंदर, ठीक है। क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, रेडीमेड बनना पड़ेगा पहले से। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा टॉपिक है प्रशासनिक कौशल, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का, मेंटल एबिलिटी का जुड़ा हुआ टॉपिक है ये, आपका तर्कसंगत विवेचना और विश्लेषणात्मक योग्यता आपके अंदर कितनी है इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं आपके, जैसे तार्किक विवेचना का परिचय क्या है, व्यवस्थापन पर आधारित तार्किक विवेचना, दल निर्माण, ठीक है, संख्यात्मक विवेचना, अनुक्रम व श्रेणियां, श्रेणीकरण पर आधारित तार्किक विवेचना, ऐसे करके रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, है ना, ब्लड रिलेशन, एक तस्वीर की तरफ उंगली करके ये वो ऐसे कह रहा है, तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, किसका क्या ब्लड, बहुत आसान है ब्लड रिलेशन, तो 2 मिनट की चीज़ें किस दिन मैं ही सिखा दूंगा आपको, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, ठीक है, तो और ऐसे ही पहली परीक्षण, ऐसे करके आपको इसमें आपको आपके दिमाग में पता चला कि खड़े हैं आप लोग, बैठे हैं, मैं इनको बता रहा हूँ कि इसके बुआ के चाचा के भतीजे हैं, बताइए इनके बुआ का इनसे क्या रिलेशन है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको तुरंत समझना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा के आप तुरंत इसको निकाल लें, तो ये आपका मेंटल एबिलिटी आपकी यहाँ पर समझी जाएगी। इसके बाद एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम्स होंगे और उन डायग्राम्स के माध्यम से उसको आपको निकालना होगा कि नेक्स्ट क्या है, वो भी आपका इस विषय वस्तु में आता है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉन वर्बल ज़्यादा पूछता नहीं है, 2-4-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हल्की फुल्की समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग का एक सॉफ्ट सेक्शन आता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, UPSC में आता है। इसमें कई बार ऐसा होता है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती सबसे पहले,
यूपीएससी में इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। डीएम में, डीएम के जितने क्वेश्चन आएंगे इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। दूसरा, इसमें आपको यदि आपका सही है, एग्जैक्ट वही आंसर सही है, इसके दो आंसर होते हैं, एग्जैक्ट वही सही है तो आपको शायद 2.5 मिलते हैं। यदि आपका क्वेश्चन दूसरा सही है, सेकेंड वाला भी सही हो सकता है, तो आपको शायद 1.25 मिलता है नंबर, आपको ऐसे भी मिलता है इसमें, ठीक। तो ये भी मैं आप लोगों को डीएम भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपके न्यायवाक आते हैं, तार्किक निगमन, कथन और निष्कर्ष के टॉपिक आते हैं। ये कथन वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा जीएस में भी पूछने लग गए हैं अब, कथन कारण दिए होते हैं, है ना, और कथन कारण वाले टॉपिक बहुत आसान होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको सही समझ नहीं है तो आप उन्हें गड़बड़ भी कर सकते हैं। चार ऑप्शन होते हैं कि ए बी दोनों, ए सही है, बी उसकी सही परिभाषा कर रहा है, ए बी बी सही है, ए उसकी सही परिभाषा, ऐसे करके दिए होते हैं। एक कथन होगा, एक कारण होगा उसका। तो लॉजिकल रीजनिंग में ये सारी मेंटल एबिलिटी में आती हैं, ठीक है। क्रम संयोजन, समुच्चय संज्ञा, ये सब उसी के अंतर्गत है, वेन आरेख, नेटवर्क आरेख, इसी में। इसके बाद एक आपका आता है बेसिक बुनियादी संख्या और आंकड़ों का विश्लेषण, तो इसमें संख्याओं का महत्व यही एलसीएम एससीएफ इसमें आता है। भिन्न आपकी आती हैं, भिन्न वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, प्रतिशत, औसत, अनुपात, समानुपात, सरल समीकरण, श्रेणी नियम, समय कार्य मजदूरी, लाभ हानि छूट, समय और दूरी, ठीक है, और आपका डेटा एनालिसिस का जितना टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक आपके इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको तीन पे अच्छी पकड़ स्थापित करनी है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है, और हिंदी आती है आपकी, हिंदी का ग्रामर वाला सेक्शन यूपीपीसीएस में आता है, और इंग्लिश आती है, इंग्लिश का भी ग्रामर आता है, तो इंग्लिश तो बहुत आसान है, दोनों आसान है, हिंदी और इंग्लिश यूपीपीसीएस की मुझे कुछ लगती नहीं है। यदि आप थोड़ा बहुत भी हिंदी इंग्लिश का समझ रखते हैं तो आप इंग्लिश भी कर ले जाएंगे। तो अब जिसको इसमें हैंडल कैसे करना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको रीजनिंग करना चाहिए, तुरंत रीजनिंग करो, जैसे जाओ पेपर में रीजनिंग वाला सेक्शन खोलो और रीजनिंग सही कर लो, कम से कम एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कभी भी एग्जाम में जाते हो, दो घंटे की अवधि में पहले वो सेक्शन को करो जो आपको आ जाए। जैसे क्वेश्चन आने शुरू होते हैं आपके ब्रेन में डोपामाइन बहना शुरू हो जाता है, वो आपको आने वाले जो नहीं आने वाले क्वेश्चन है उसमें भी इम्पावर्ड करता रहता है। तो आपको अपने ब्रेन को पॉजिटिव पहले वो टॉपिक को, इसलिए आपकी रीजनिंग का टॉपिक अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग के वो ऐसे नहीं सारे हल हो जाएंगे, कुछ आपको अब जैसे कि सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत फंसा देते हैं, पजल वाले क्वेश्चन जिसमें से एक नंबर गायब होता है वो फंसा देते हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ दो, नहीं आ रहा है, यदि एक दो बार में निकल जा रहा है तो निकाल लो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, लेकिन कम से कम यदि 15 क्वेश्चन है तो 15 में यदि 10 भी कर लिए तो भी आपको आ गया कि चलो मैं 10 तक तो पहुंच गया, 5 नहीं भी आएंगे तो सही। इसके बाद अगला जो है यूपीपीसीएस में, अब माइनस मार्किंग आ गया, यहाँ भी रिस्क नहीं ले सकते, पहले था कि भाई माइनस मार्किंग नहीं थी तो लोग पूरा कुछ ना कुछ मार आते थे, पहले कुछ ऐसे मारते थे, जानते हैं, ऐसे मारते थे, यदि ए बी मान लो 1 2 3 4 ये सब नहीं आ रहे, 5 ये नहीं आ रहे, तो आदमी क्या करता था, ए ए सब का ए लगा के चलाता था, हो सकता था इन तीन का ए ही सही हो। ओएमआर शीट में तो ऐसे ही होता है, आप देखोगे ओएमआर शीट तो ऐसे ही भरी जाती है, किसी रही इसमें 2-3 तो सही हो जाएंगे तुक्के में, माइनस मार्किंग में ये अब पूरा का पूरा मामला फेल हो जाएगा। आपको यदि नहीं आता हो तो आप ऐसा ना करिए कि इसका ए लगाइए, इसका बी लगाइए, इसका सी लगाइए, इसका डी, लाइंस लगाइए, बराबर फिट करिए, फिर क्या होगा उस वाले क्रम में शायद आपको 2-3 ए मिल जाए, आपकी किस्मत के ऊपर है। ये बिल्कुल बहुत फैक्चुअल ऐसे ही करते हैं, तुक्का लगाने का सही तरीका यही होता है, लेकिन माइनस मार्किंग में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जाएंगे भी मान लो इसमें 2 भी गलत हो गए तो भी आप कौन प्रॉफिट में चले गए, ठीक है, आपको जो आ रहा है उतना लगाइए बाकी छोड़ दीजिए। इसी के लिए माइनस मार्किंग का सिस्टम भी रखा गया है ताकि जो तुक्के वाले लोग हैं वो फेल हो जाएं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपका काम होना चाहिए रीजनिंग को आप इतना करके जाएं ताकि आप सीसेट क्वालिफाई, तीन तो पढ़ना ही पड़ेगा, यदि रीजनिंग मैथ और हिंदी में आप समझ नहीं कर पाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, ये चीज़ लिख लो, इसलिए तीनों में पहले रीजनिंग करिए। रीजनिंग के बाद मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे मैथ का आता है, मैथ में भी प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा आपका समझ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप दूसरा जो सेक्शन है आपका वो है परसेंटेज, उसमें गलत नहीं होना चाहिए, फिर एलसीएम एससीएफ के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, बहुत आसानी से निकाल लेना चाहिए, यदि कोई ब्याज वाला आता है आपका वो भी आपको निकालना चाहिए, इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, बहुत आसान आसान है, बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद जो है आपको तुरंत आ जाना चाहिए कंप्रिहेंशन में, और भी जो भी आपका सब मजबूत हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, चाल समय दूरी के क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, मैं तो मैथ को तो क्या है, कुछ नहीं है, बस ये है कि आपने पढ़ी नहीं कभी, आपने कभी उसने उसे में इंटरेस्ट नहीं लिया, प्रारंभिक गणित बहुत कठिन नहीं है, अब आपने छोड़ ही के रखा है तो फिर क्या होगा, नहीं तो क्या है, कुछ रूल्स हैं उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर देना है,
कुछ नियम है हर जगह पे नियम को, क्वेश्चन को समझना है। देखो क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन को 3-4 बार 5 बार पढ़िए, यदि नहीं समझ में आ रहा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कई बार हम जल्दबाजी में कुछ का कुछ समझ जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं, तो मैथ वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक और गड़बड़ बच्चे करते हैं प्लस माइनस में, कहाँ पे प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत सा मैक्सिमम केस में कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है इसका भी खेल हो जाता है और क्वेश्चन पूरा आपका गलत हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को बहुत सावधानी पूर्वक और इनकी प्रैक्टिस से ही होगा, आप मैथ की पर डे प्रैक्टिस करने लग जाइए। आप यदि मान लीजिए, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ संडे को 2 घंटे आप डिवाइड करो कि आपको सीसाइड करना है, 1 घंटे मैथ कर लो, आधे घंटे रीजनिंग कर लो और 30 मिनट कम्प्रिहेंशन कर लो। अब देखो 1 घंटे मैथ में आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही टॉपिक लेना है, परसेंटेज ले लिया, परसेंटेज के 3-4 टाइप समझ लो कि भाई मुझे 15-15 मिनट में 2 टाइप, एक ही टाइप ले लो, अच्छा एक ही टाइप ले लो आप 1 घंटे में, और उसके 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक। ऐसे ही रीजनिंग में एक ही टाइप उठाना, एक टाइप लेकर के उसके 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम होता चला जाएगा। और कंप्रिहेंशन में 30 मिनट में आपके कम से कम 3 कंप्रिहेंशन हो जाने चाहिए, 10 मिनट में एक कंप्रिहेंशन का एवरेज लेके चलो शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे 5 मिनट में एक कंप्रिहेंशन करने की हैबिट तक ले आओ। छोटे कंप्रिहेंशन, बड़े कंप्रिहेंशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। टाइमिंग के बाउंड जरूर रहो, अपने पास एक स्टॉप वॉच जरूर रखो ताकि आप टाइम के हिसाब से हर काम को करें, बिना बेटाइम ना हो कि ये टाइम ओवर हो गया फिर वो आप कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो इतना कम से कम समझ आप रखें, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ समझिए मेरी बात को, जितना मैं समझाऊँ उतना समझते जाना है, ठीक है। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि दिमाग नहीं तो लगाना क्यों, ठीक है। आपको इन चीज़ों को बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन मत बनाइएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। जिसकी वैल्यू सिर्फ पीटी में हो उस पर हम क्यों ज़्यादा टाइम दें, सारा खेल हमारा मेंस का है। लेकिन मान लो इसी गेटवे से नहीं निकल पाया, पीटी नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो क्या करोगे इथिक्स पढ़ के, उस इथिक्स का करोगे क्या, नैतिक हो जाओगे बस, है ना। आपके एग्जाम के एग्जाम में काम नहीं कर, क्योंकि कभी लिखने का अवसर ही नहीं मिला आपको मेंस में, ठीक है। तो आपको जब तक आप इसको बहुत अच्छे से इन दोनों पे काम नहीं करते हैं, ये तो आप कर ही रहे हो, ये तो आपका बिग पोर्शन चल ही रहा है मेंस के लेवल पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको भी देते रहो, आपको एक गेटवे क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद यदि यूपीएससी दे रहे हो तो इन दोनों गेटवे पे भी काम करना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी पे भी काम करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आप ये वाला सेक्शन पे आपका जितना भी होगा तो आपका हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है जिसने 3 बार से सिर्फ यहीं पे रुक जाता, वो भयाकांत हो गया, उसे डर हो गया कि मैं क्या बताऊं, वो यहीं पे रुक जाता है। किसी दिन किसी बार बाबू उसको बुलाने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि बहुत निगेटिव माइंडसेट का हो चुका है। हाँ सीसेट में नहीं, यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर पे, वो ये तो बहुत अच्छा करके आता है, लेकिन क्वालिफाइंग के इंग्लिश वाले पेपर पे वो लटक जाता है, नहीं हो पाता उससे, 75 नंबर भी नहीं ला पाता, बहुत डर, फिर धीरे धीरे डर बैठता चला जाएगा, अरे मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, एक बार डर बैठना चलो। इसलिए इसको भी अच्छा करना है, आपको इंग्लिश के लिए बहुत सारी मटेरियल उपलब्ध है, कोई भी बुक उठा लो, 50 किताबें पढ़ी है मार्केट में, एक आपकी जीके पब्लिकेशन वालों ने इंग्लिश कम्प्रिहेंसन का निकाला है वो ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो कंपलसरी पेपर पे भी ध्यान देना है उतना, साथ साथ और द हिंदू न्यूज़पेपर, इसीलिए मैं कहता हूँ मस्ट है, आप कोई न्यूज़पेपर मत पढ़ो, द हिंदू 2 उद्देश्य पूरा करेगा, एक तो अच्छा कॉन्टेंट देगा और दूसरा आपकी इंग्लिश पर भी काम करवाएगा। एक डिक्शनरी रखो, नहीं तो आज के टाइम पे ऑनलाइन डिक्शनरी 500 चलती है, कोई भी डिक्शनरी से अपना जो है वैकेबलरी की एक डायरी जरूर रखो, जिसमें आपका वैकेबलरी ही तैयार होता रहे। कोई नया सीखते हो उस अक्षर को लिख लो उस पर, और उसको 2-3 बार ट्रैवल करते समय, टाइम पास करते समय, 50 चीज़ें हैं, मैं आप कहाँ कहाँ बताऊँ कौन कौन सी जगह पर उसका यूज कर सकते हो कहीं भी यूज कर सकते हो। मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल पे फोटो खींच लो उसकी, अपने देख लिया, यहीं पे आते हो 5 मिनट में देख लिया कि आज अच्छा चलो 10 शब्द हैं इनको देख लिया, है क्या। आपका ब्रेन बहुत तेज काम करने लगा, अब रटने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है, तो देखोगे तो काम हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं बात को। हाँ तो आपको सीसाइट पे अब काम करना शुरू करना है, सीसाइट इतना कठिन नहीं है, कठिन आप लोग बना दोगे यदि आप इस पर पढ़ोगे ही नहीं। यदि आप चाहोगे कि जाकर ही यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। यदि आप सीसाइट को अभी से शुरू कर दोगे थोड़ा थोड़ा करना तो आपको आसान लगने लग जाएगा। तो एक TMH की ये बुक आप जरूर ले लेना, टाटा मैकग्रा हिल
यही है। अब मैं किसको और दूसरा कौन, मुझे मैंने जीके की भी देखी तो मुझे ठीक है, वो भी सही है क्योंकि मैथ रीजनिंग ही तो पढ़ना है सब जगह पे, ये भी ठीक है। TMH के कंटेंट पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो अच्छा कंटेंट है इस पे, आप इसको पढ़ लो, इस पे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपका घटना चक्र जैसे आप लोगों को मिल जाता, अभी शायद है नहीं, ये उपलब्ध होगा तो आपको बता दूंगा, मैं उपलब्ध होगा तो मैं बता दूंगा। अभी अभी क्या हो रहा है कि अब 2020 का कंटेंट आएगा ना, तो पुराना कंटेंट अब आपको घटना चक्र मिलेगी नहीं कुछ समय तक, ले रुक जाएगी, हाँ 2-3 महीने बाद मिलनी चालू होगी। तो जब ये आ जाएगी तो इसको भी ज़रूर कर लेना है, ये आपका काम कर देगी, फिर आपको सी सेट में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी एग्ज़ाम आप देगा हो जाएगा। मैथ रीजनिंग का हर एग्ज़ाम पे रोल है आज के टाइम पे, कहाँ नहीं है, UPSC और PCS में थोड़ा कम है, नहीं तो बाकी सब जगह है। ठीक, तो इसका अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इसे शुरू कर दो, बाकी जनवरी से मैं आप लोगों के लिए परमानेंट व्यवस्था कर दूंगा, संडे टू संडे आप लोग आएंगे, अपना सी सैट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।